एक बार रहते थे एक हिरनों का झुंड। उनमें से था एक हिरन जिसके सींग बहुत सुंदर थे। इस वजह से यह हिरन बहुत ही घमंडी बन गया था। एक दिन घमंडी हिरन गया एक और हिरन के पास। तुमने मेरे सींग देखे? ये तुम्हारे वालों से भी सुंदर है। तुम खुद की तारीफ क्यों कर रहे हो? मेरे सींग मेरे लिए ठीक है, तुम्हारी सींग तुम्हारे लिए? क्या हम देखें कि किसके सींग अब सबसे ज्यादा मजबूत हैं? मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहकर दूसरा हिरन जा ही रहा था जब अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर तुम मेरे साथ लड़ाई करने में डर रहे हो तो ये मान लो कि मेरे सींग ही सबसे मजबूत है और फिर तुम जा सकते हो, बोला घमंडी हिरन। दूसरे हिरन को अब गुस्सा आया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। घमंडी हिरन ने जोर लगा के लड़ाई की और अंत में वही जीत गया। हा, देखा, मेरे सींग ही ताकतवर है, इसीलिए तुम हार गए। इसी तरह घमंडी हिरन ने अपने दिन बिताए जंगल में हर किसी के साथ लड़ाई करते हुए। एक दिन घमंडी हिरन को प्यास लगी थी तो वह पास वाले नदी में पानी पीने गया। जब उसने अपनी परछाई पानी में देखा, वाह, मेरे सींग कितने मजबूत और सुंदर हैं और मेरी आंखें भी कितनी प्यारी, पर ये पैर इतने कमजोर और पतले लगते हैं, ये तो सुंदर है ही नहीं। हिरन ऐसा सोच रहा था जब एक खरपोश वहां पर आया पानी पीने। हे, मैं इतना सुंदर मेरे मजबूत सींगों की वजह से लगता हूँ ना? अरे हाँ, तुम तो बहुत सुंदर लगते हो। उसी समय वहां पर एक शेर थोड़ा दूर दिखाई दिया जो उनकी ओर आ रहा था। खरपोश ने बोला कि उनको वहां से भाग जाना चाहिए और वह भाग निकला। हिरन ने जब देखा कि शेर आ रहा है तो वह तुरंत भागा, परंतु उसके सींग एक पेड़ की डालियों में फंस गए। हिरन ने अपने आप को उस पेड़ की जाल से निकालने की बहुत कोशिश की, पर अंत में हिरन ने बस हार मान लिया और वहीं पे खड़ा रहा। मुझे तो अपने सुंदर सींगों का बहुत घमंड था और आज इनकी ही वजह से मैं फंस गया हूँ। मुझे लगता है कि अब शेर मुझे खा ही जाएगा। ऐसा सोचते समय हिरन ने देखा कि शेर और करीब आने लगा। डर से हिरन ने अपनी टांगों से पूरा जोर लगाया डालियों से छूटने के लिए और जैसे तैसे करके वह वहां से भाग निकला। मुझे लगा मेरी टांगे कमजोर है और आज इन्हीं की वजह से मैं बच निकला। किसी को भी भगवान का बनाया हुआ का निंदा नहीं करना चाहिए। हर कोई जीव और हर कोई चीज किसी ना किसी तरीके से काम आती है। अब से मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव या लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा।